हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आइए आज जानेंगे कि जब इंक्यूबेटर से ख़राब अंडे निकलें, जो अंडे नहीं फूट पाते हैं, उस अंडे का हम क्या करें और उसका सही इस्तेमाल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इंक्यूबेटर से फूटा हुआ अंडा है, जो कि सही टाइम में चूजे नहीं निकल पाए हैं। देखिए, आधा बना था, आधा से ज़्यादा ही बना था, ये नहीं निकल पाया था। इसको अपन, ये 25 तारीख का डेट था, ये लास्ट अगर कल तक इसको निकल जाना था। अगर ये कल तक नहीं निकला है तो फिर इसका दूसरा वैकल्पिक उपाय करना होगा। तो आइए साथ में बने रहिए, देखते हैं अपन इसके बारे में। छिलके को तो अपन ऐसे दे देते हैं, टर्की को, वाइट पेपकिन, बदख, देखिए सब आएंगे अभी। ये कड़कनाथ है, देखिए बच्चा पूरी तरह से लगभग बन ही गया था। एक्चुअल में इस पे प्रॉब्लम ये हुआ कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था एक दिन हमारी गलती की वजह से, तो उसकी वजह से ये चूजा सही समय पे निकल नहीं पाया। अगर ये सही समय पे निकल जाता तो बच जाता। कल तक इसका निकलने का डेट था, इसको तो अपन दे देते हैं। देखिए ये एकदम इसका सही इस्तेमाल है। पहले भी मैं तोड़ के खिला चुका हूँ बहुत सारे को, सबका मन भर गया है। खैर छोड़िए, ये खा लेंगे, अपन इस पर बात करते हैं। पूरा ही बन गया था लगभग, इसका बस निकलने का थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ हो गया, नहीं तो ये बच्चा शायद जिंदा मिलता हमको। और ये पीछे पूरी तरह से बन नहीं पाया था, पीछे का जो योक है वो थोड़ा सा बचा था। तो खैर दूसरा अंडा देखते हैं अपन। ऐसा होते रहता है, एक एक के लिए बहुत ज़्यादा मन खराब करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, दस्तों में शॉर्टों में दस्त हुआ तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक 25 तारीख का है, इसमें एक चीज और कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं, देखिए ये टर्की आ गई थी बीच में, ये कड़कनाथ का मेल है। इसको देख लेते हैं इसका क्या कंडीशन रहा। इसको तो हम अभी बहुत ज्यादा हिलाए हैं बोल करके ये स्थिति है, और ये इसका प्योर स्थिति है। ये बच्चा भी बन ही गया था, बट इसके पीछे वही वाला प्रॉब्लम है, योक इसका नहीं बन पाया था इसका भी। और इसमें एक चीज़ सीखने को और मिला है कि अगर जैसे 25 आज का डेट निकलने का है, आज आप नाइट भर देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर टॉर्च मार करके खाली जगह देखिएगा। टॉर्च मार करके खाली जगह देखने के बाद अगर जो
सेफ्टी पिन या तो फिर कुछ इस टाइप का आइटम जैसे कि प्लकर वगैरह, तो उससे अपन थोड़ा सा छेदा बना करके इसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर अपन ऐसे थोड़ा सा छेदा बना करके ऑक्सीजन दे दें तो शायद ऐसे बच्चे बच सकते हैं। तो एक बार उसकी भी ट्राई करेंगे। पूरा एक बार अपन ध्यान देते हैं कि पहले बच्चे निकलने देते हैं, उसके दूसरे दिन और देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे मरने से अच्छा है, जैसे 10 बच्चे अगर मर रहे हैं 100 अंडे में 10 बच्चे, 3 को भी अगर अपन बचा पाएँ तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो फिर जो कर रहे हैं वैसा तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ठीक है, ये क्या ये खाकी कैंबल का बच्चा था, बदक का, पर अब क्या कर सकते हैं, जिसको जाना है उसको जाना है। और यही इसका सही इस्तेमाल है, ये टर्की का अंडा है। ये देखिए, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। ओके दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आगे और है, बच्चे निकल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। थैंक्स।